बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्राओं का प्रदर्शन। कैंपस में छेड़छाड़ से नाराज छात्राएं मांग रही थी सुरक्षा। दो दिन से पीएचयू में हो रहा था प्रदर्शन। आधी रात को पुलिस ने छात्राओं को पीएचयू मेन गेट से जबरदस्ती हटाया। पीएचयू कैंपस में पुलिस और छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प। विश्वविद्यालय में चली गोली और लाठियां। आधी रात को पीएचयू में बवाल। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। जी हां, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देर रात ऐसा बवाल मचा कि कैंपस के भीतर पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में आग लगाई गई, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, हवाई फायरिंग हुई, छात्र और छात्राएं घायल हुए। ये पूरा बवाल रात 12 बजे तब शुरू हुआ जब पुलिस प्रशासन की टीम बीएचयू के मेन गेट पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं को हटाने पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। छात्रों ने भी जमकर हंगामा किया। पुलिस और पीएसी के करीब 1500 जवान कैंपस में मौजूद रहे। डीएम, आईजी और कमिश्नर भी रात भर बीएचयू में मौजूद रहे। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा है रात का जब पुलिस ने छात्रों को पीटा। दिखाते हैं आपको वाराणसी से संवाददाता रणवीर सिंह की ये रिपोर्ट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गुस्से की आग। पुलिस वालों ने छात्रों को दी चेतावनी। पीछे हट जाओ, या तो फिर हमें तो आखिरी लाइन में तैयारी करें। अभी भी कहा जा रहा है पीछे हट जाइए। पुलिस के साथ भिड़ गए पीएचयू के छात्र। पत्थर चले, पेट्रोल बम फेंके गए, हवाई फायरिंग हुई। आधी रात को बीएचयू में बवाल। ये बीएचयू की स्थिति है गेट के सामने। रात को 1 बज रहा है और यहाँ पे ये गाड़ी जो बाइक है ये लगातार देखिए आप स्टार्ट है और स्टार्ट स्थिति में इसमें आग लगा दी गई है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। वहीं ये देखिए पुलिस की डायल 100 गाड़ी है, इस गाड़ी को यहाँ पे गिराया गया है, इसको भी आग लगाने की कोशिश थी लेकिन फिलहाल पुलिस ने यहाँ पे लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को हटा दिया है। आप ठीक सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र उग्र हैं। इस तरीके की स्थिति है, इस तरीके के हमारे ऊपर भी देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है। यहाँ पे प्रदर्शनकारी छात्र हम लोगों के ऊपर भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस बीती रात पुलिस और छात्रों के बीच हिंसा का कुरुक्षेत्र बन गया। छात्रों और पुलिस के बीच ऐसी हिंसक झड़प हुई कि पत्थरबाजी, आग जनी से लेकर पेट्रोल पंप तक फेंके गए। पुलिस ने भी हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की। आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्राओं को दौड़ा कर पुलिस यहाँ हॉस्टल के अंदर भगाने की कोशिश कर रही है। ये माहौल रात को 1 बजे है बीएचयू के अंदर। कई लड़कियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ लड़कियों को क्या हुआ था। अभी लाठी से हमको मारे, अभी हम उधर जा रहे थे, पीछे से मार दिए। क्या मतलब आप लोग सिर्फ खड़ी हैं इसलिए? अभी आ रहे थे बस मार दिए हमको। यही खड़े थे अपने गेट के सामने और कुछ नहीं किए। हमारी प्रोफेसर को भी उन लोगों ने सर पे मारा है और वो एक लड़की को पकड़े, 6-7 लोग पकड़ के उसको पकड़ के और बाहर पीटे हैं और उसके बाद उसको नीचे भी गिराए हैं। पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और हम लोग को निकलने से रोका गया और पत्थर भी फेंके गए। ये देख सकते हैं किस तरह से पुलिस छात्रों पर प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से उस छात्र को मारा गया है। जाहिर तौर पर एक छात्र को पुलिस पकड़ कर किस तरह से पीट रही है। आप देख सकते हैं कि
अभी तक की जानकारी के मुताबिक कैंपस में करीब 50 राउंड फायरिंग की गई, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। पत्थरबाजी में कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए। पुलिस की 100 गाड़ियां रात भर कैंपस में घूमती रही। करीब 1000 सुरक्षा कर्मियों को बीएचयू में तैनात किया गया। बीएचयू का वाइस चांसलर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, जिसकी जिद की वजह से ये पूरा हंगामा हुआ वाराणसी में, रात के 12 बजे पुलिस कार्रवाई शुरू करती है और डेढ़ बजते बजते दमन का इंतहा ये हो जाती है कि महिला महाविद्यालय के बाहर कटीली तार लगाकर छात्राओं को अंदर किया जाता है और उसके बाद पूरे कैंपस के अंदर पुलिस की गाड़ियां घुमाकर, पुलिस का फ्लैग मार्च कर छात्रों में एक डर पैदा करने की कोशिश की जाती है। और जिम्मेदारी किसकी होगी? वाइस चांसलर की। वो वाइस चांसलर जो 40 घंटे तक छात्रों के प्रदर्शन में दरवाजे तक आकर उनसे मिलकर उन्हें आश्वासन देने को तैयार नहीं होता, और वो भी उस दिन जब स्थानीय सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर में होते हैं। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज वाराणसी। 2 दिन से ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, क्या जरूरत थी कि यहां तक ये चीजें पहुंचे कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़े इन छात्राओं पर? किसकी गलती इसमें है, इस पर जरूर जांच होगी। बीएचयू में इस भयंकर बवाल के बाद यूनिवर्सिटी को 2 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। आधी रात को जब डीएम की अगुवाई में पुलिस बीएचयू कैंपस में कार्रवाई कर रही थी, तो इस हिंसा के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर एबीपी न्यूज संवाददाता ने पूरे हालात की जानकारी दी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छेड़खानी के विरोध में चल रहा प्रदर्शन पुलिस ने लाठीचार्ज के दम पे बंद करा दिया, लेकिन इस वक्त रात के 1 बजे की स्थिति आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस की बाइकों को प्रदर्शनकारी छात्रों ने जला दिया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस के लोग मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं, कि यहाँ पे पुलिस की 2 बाइक यहाँ दिख रही है, वहीं इस तरफ भी एक गाड़ी जलाई गई है। कुल 3 गाड़ियाँ गेट के बाहर जलाई गई हैं, उसके अलावा भी कई जगह तोड़ फोड़ पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं। ये स्थिति है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ठीक सामने रात के 1 बजे की, जहां आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं, और इस दोनों तरफ आपको अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि सामने भी पुलिस के इतने बड़े बड़े बड़ी संख्या में पुलिस के लोग मौजूद हैं, वहीं पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके का फ्लैग मार्च हो रहा है रात को 1 बजे, जहाँ पर आंदोलन कर रहे छात्रों को भगाने के लिए लगातार पुलिस लंका इलाके में गश्त कर रही है, पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है। मीडिया पर भी प्रदर्शनकारी छात्रों ने हमारे ऊपर भी पत्थर चलाया, मेरे खुद के पैर पर एक पत्थर यहाँ पे लगा आके। वहीं अगर इस वक्त आपको स्थिति दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कि जलती हुई बाइक को फायर ब्रिगेड की मदद से यहाँ पे बुझाया गया है। डीएम खुद मौके पे मौजूद है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस के लोग रात में 1 बजे फ्लैग मार्च कर रहे हैं। माहौल काफ़ी अराजक है, काफ़ी स्थिति तनावपूर्ण है। हर तरफ लंका इलाके में सुरक्षा बल हैं, जो कि इन उग्र छात्रों को समझाने बुझाने और नहीं मानने पर उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उन्हें वापस घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे पर आए थे और आज दोपहर को ही वो यहाँ से वापस गए हैं, मुख्यमंत्री शहर में थे, राज्यपाल शहर में थे, बड़े बड़े मंत्री शहर में थे, बावजूद उसके इन छात्रों का इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश नहीं हुई और उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज करके छात्रों के प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज वाराणसी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।